महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर दिए गए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बयान का विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना का दावा जताए जाने पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। यहां तक कि महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से सीटों के बंटवारे पर शिवसेना से बातचीत नहीं करने की मांग भी उठने लगी है। गौरतलब है कि सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते पहले से तल्ख चल रहे थे। लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी ज्यादा सीटों पर दावा जताने लगी, जिससे खफा शिवसेना ने उस जीत में गठबंधन दलों की अहम भूमिका का जिक्र करते हुए मोदी लहर के असर को दरकिनार करने की कोशिश से भी नहीं चूकी। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल तो बज चुका है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान अब भी बरकरार है। अब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भी 25 साल पुराने गठबंधन के बीच दरार पड़ने लगी है। टूट की कगार पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन, महाराष्ट्र में छूटेगा 25 साल का साथ। सीएम पद को लेकर अड़ी बीजेपी शिवसेना, महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच अभी रस्साकशी जारी ही थी कि इसी बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन के बीच दरार पड़ने लगी है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन बीजेपी जिसके ज्यादा एमएलए उसी का मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर अड़ी है। इस बीच शिवसेना ने बीजेपी के फॉर्मूले को खारिज करते हुए ये साफ कर दिया है कि सीएम पद को लेकर शिवसेना पीछे हटने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद और पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, इस प्रकार का ऐलान उद्धव ठाकरे साहब ने सबसे पहले किया था। सबसे पहले जब मोदी जी अछूत थे हिंदुस्तान की राजनीति में, तब शिवसेना ये पहली पार्टी और पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि मोदी जी को हमारा पूरा समर्थन है। वैसे ही राज्य की बात आती है तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा गठबंधन में, ये शिवसेना तय करेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। और हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब ही मुख्यमंत्री पद के हमारे नेता है और वही करेंगे। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के बीच बढ़ती खाई पर नजरें गड़ाई बैठी कांग्रेस ने भी हमला तेज कर दिया है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता को तय करना है क्या उनको एक ऐसा गठबंधन चाहिए जो 15 साल से प्रदेश की सेवा करता आ रहा है, या एक ऐसा गठबंधन चाहिए जो सरकार या चुनाव होने से पहले ही आपस में इस तरह से लड़ रहा है और इस तरह से सीटों को लेकर बंदरबांट हो रही है जैसे कि इनकी सरकार बनी गई है। तो इसलिए तय उनको ये करना है कि क्या उनको ऐसे लोग चाहिए जो समाज सेवा करते हो, जनता की सेवा करते हो, या एक ऐसा गठबंधन चाहिए जो सिर्फ स्वयं सेवा में विश्वास रखता है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच 25 साल पुराना गठबंधन है। इस गठबंधन को काफी मजबूत भी माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में महाराष्ट्र में ये 25 साल पुराना बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट सकता है। संतोष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज।